नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है कैपेसिटर से रिलेटेड है. कहा गया है कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ साइड ए मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर. फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट जो है वो ये है, है ना. इसके प्लेन से अल्फा एंगल पर वो इंक्लाइंड है. दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन जो है वो डी है. आगे जो है सेपरेशन चेंज होता जा रहा है. तो हमें बताना है द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू, मतलब सिस्टम का जो कैपेसिटेंस आएगा वो हमें बताना है कितना होगा. तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच का गैप वेरी कर रहा है, तो हमें एक एलिमेंट्री कैपेसिटर लेना पड़ेगा. मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट्री कैपेसिटर लेता हूँ. ठीक, तो इस कैपेसिटर का, चूंकि इसका थिकनेस जो है वो डी एक्स है, तो यहाँ पर गैप देखेंगे, ये वाला जो गैप है वो डी के इक्वल आएगा. जितना यहाँ गैप है उतना ये गैप होगा. ये वाला गैप कैसे पता करेंगे? कहा गया कि अल्फा जो है बहुत स्मॉल है, मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल अल्फा. तो हम ऐसे मान सकते हैं, अगर ये एक्स डिस्टेंस है, ये एंगल अल्फा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो अल्फा इंटू एक्स हो सकता है ना. जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, वैसे ही ये रेडियस जैसा बिहेव करेगा एक्स और ये एंगल है. तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो गैप है यहाँ पर, इस गैप को लिख सकते हैं अल्फा इंटू एक्स. तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैपेसिटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लेट के बीच का सेपरेशन निकल जाएगा. तो इसका अगर कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे इस छोटे से एलिमेंट्री कैपेसिटर का, तो पहले क्या लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई डी. तो एरिया कितना लेंगे, यहाँ पर जो प्लेट होगा उस प्लेट का जो अंदर वाला लेंथ है वो तो ए के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है दोनों, है ना. ये भी स्क्वायर प्लेट है तो इसका लेंथ ए इधर है और ए अंदर भी होगा. ये वाला भी स्क्वायर प्लेट है तो यहाँ से यहाँ तक ए है और अंदर भी ए है, लेकिन हमें तो केवल इतना वाला प्लेट का एरिया निकालना है. तो इसका थिकनेस तो डी एक्स के बराबर लेंगे, अंदर का लेंथ लेंगे कितना, ए के इक्वल. तो इसका एरिया आएगा ए इंटू डी एक्स, ए अंदर वाला लेंथ और एक स्ट्रिप जैसा एरिया बनेगा उसका, स्ट्रिप जैसा. तो स्ट्रिप का थिकनेस डी एक्स है वहां पर और लेंथ ए है. तो ये हो गया एरिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. ये सेपरेशन आ गया यहाँ पर डी प्लस अल्फा एक्स. ये जो है एलिमेंट्री कैपेसिटर कैपेसिटेंस है. अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल कैपेसिटेंस निकल जाएगा. इसको जीरो से सी और इसमें जो एक्स है, एक्स का वैल्यू जीरो से ए तक इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा एलिमेंट्री कैपेसिटेंस हमें कैपेसिटर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना पड़ेगा, है ना. तो इंटीग्रेशन करने के लिए जो पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स है एप्सिलॉन नॉट ए, इनको इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, है ना. इसके बाद बाकी जो टर्म्स बचेंगे, जैसे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस अल्फा एक्स, इनको इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से ए तक. तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग में, लॉग डी प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के साथ में जो कांस्टेंट है उसे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर लिमिट आएगा जीरो टू ए, है ना. तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि इधर तो आया गया कैपेसिटेंस सी, है ना, और इधर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई अल्फा. ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको तो हम लोग पहले बाहर कर देंगे, ठीक, फिर इसमें लिमिट रखेंगे. तो लॉग ये आएगा लॉग डी प्लस अल्फा इंटू ए रखेंगे पहले, डी प्लस अल्फा इंटू ए, फिर रखेंगे लॉग डी प्लस एक्स का वैल्यू जीरो रखने से आएगा लॉग डी, ठीक, माइनस में करके लॉग डी आएगा. तो उसको मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं ऐसे, है ना. तो अब इसमें से जो है आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई अल्फा, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस अल्फा ए डिवाइडेड बाई टी, है ना. क्योंकि अल्फा बहुत ही छोटा है तो ये वाला जो टर्म है ये भी बहुत ही वन से छोटा हो जाएगा, है ना. अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो लॉग
वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे टर्म्स आते हैं आगे, तो ये एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई अल्फा, ये वाला एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो एक्स के जगह पर अल्फा ए बाई डी है, तो यहाँ रखेंगे अल्फा ए बाई डी माइनस अल्फा ए बाई डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, है ना, ये आएगा। इसमें से अल्फा ए बाई डी बाहर कॉमन लिया जा सकता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई अल्फा, इसमें से मैं अल्फा ए बाई डी बाहर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा वन माइनस यहाँ बचेगा अल्फा ए बाई टू डी। तो देखेंगे यहाँ से एक अल्फा और यहाँ से एक अल्फा कैंसिल हो गया, है ना। तो अब क्या आएगा, यह आएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू वन माइनस अल्फा ए बाई टू डी, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी वन माइनस अल्फा ए बाई टू डी, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।